अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 7 की शुरुआत जॉन के पति से होती है, जो लंबे समय के बाद अपने देश लौटा था। जहाँ आते उसे केयरटेकर का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि जॉन बहुत बीमार है, इसलिए उसके बच्चे केयरटेकर के घर पर ही है। पर तभी उस पर एक वैम्पायर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो बचकर घर के अंदर आ जाता है। पर अंदर आते ही उसकी पत्नी उसे मार देती है, जो अब खुद वैम्पायर में बदल चुकी थी। उधर से ट्रैकन अपना प्लान नोरा और एफ्रेम को समझाते हैं, जिसकी मदद से वो वैम्पायर्स के लीडर मास्टर को ही मार देंगे, जिससे सारे वैम्पायर्स भी मारे जाएंगे। पर एफ्रेम को ये सब नामुमकिन लग रहा था, जिस पर फिर ट्रैकन उसे उस पर भरोसा रखने को कहते हैं। इसलिए अब सभी मास्टर तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं। उधर जिम अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर जाने का प्लान बनाने लगता है, पर तभी वहाँ नोरा, एफ्रेम और ट्रैकन आ जाते हैं, जिनके समझाने पर जिम भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है। पर अब उसकी पत्नी अकेले ही वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब ट्रैकन जिम से सवाल करते हैं कि कॉफिन किसने मंगवाया था। और अब आइकोस के बारे में पता चलने पर वो तीनों तुरंत मास्टर तक पहुँचने के लिए जिम और आइकोस के बीच एक मीटिंग रखवाते है, इस बहाने से कि जिम को पायलट की लाश ठिकाने लगाने के लिए और पैसे चाहिए। लेकिन मीटिंग के दौरान जिम इतना डरा हुआ था कि आइकोस को उसे देखकर पता चल जाता है कि इन सबके पीछे ट्रैकन ही होगा। इसलिए आइकोस जिम को धमकी देता है कि उसने अगर ट्रैकन का प्लान उसे नहीं बताया तो वो उसे भी काटकर इन्फेक्ट कर देगा। अब इसके बाद आइकोस वहाँ से निकलकर एक सबवे कंस्ट्रक्शन जोन की तरफ चला जाता है, जिसके बाद जिम नोरा और एफ्रेम के पास जाता है और उन दोनों को खबर कर देता है कि आइकोस को ट्रैकन के बारे में पता चल गया है और अब वो उन्हें ही ढूंढ रहा है। इसलिए अब तीनों मिलकर ट्रैकन को ढूंढने लगते है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैकन एक सबवे ट्रेन के अंदर आइकोस को देखता है, और फिर आगे आइकोस के एक प्लेटफॉर्म पर उतरने पर वो भी वहीं उतर जाता है और उसका पीछा करता है, और फिर आखिर में अपने तलवार से उस पर वार भी करता है, पर इसका आइकोस पर कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ एफ्रेम, नोआ और जिम पहुंच जाते हैं, जो मिलकर आइकोस को घेर लेते हैं। पर दुर्भाग्य से तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजर जाती है, जिसका फायदा उठाकर आइकोस वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जॉन के बच्चे जो केयरटेकर के घर थे, वो फिर से अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगते है, इसलिए केयरटेकर बच्चों को लेकर जॉन के घर पहुँच जाती है, जहाँ वो जॉन के पति को अधमरा पाती है। और तभी अचानक से जॉन भी आ जाती है, जो अब उन सब पर हमला कर देती है। पर किसी तरह सभी जॉन से बचकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद जॉन और साथ ही एक और वैम्पायर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जहां वो वैम्पायर जॉन की बेटी को मारने ही वाला होता है। लेकिन सही समय पर वहां एक अजनबी आता है, जो दोनों वैम्पायर को शूट करके मार गिराता है। अब जब इसके बाद सभी लोग कमरे से बाहर आते तो वो देखते कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि काले रंग का शर्ट पहना हुआ एक वैम्पायर था, जिसके साथ उसके और चार साथी थे। वो बच्चों को देखते कि वो ठीक है या नहीं और उन्हें वहां से जाने को कहते हैं। पर केयरटेकर की बेटी बैस्टन को देखकर वो उसे वहीं शूट करके मार देते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 1 की शुरुआत पिछले एपिसोड के समाप्त होने के ठीक बाद से होती है, जहां से ट्रैकन सभी को बताता है कि आइकोस के साथ हुई हाथापाई अब किसी तरह मास्टर तक भी पहुंच जाएगी, इसलिए अब उन्हें और भी सतर्क होना पड़ेगा। इस वक्त सभी सबवे के टनल के अंदर ही मौजूद थे और बाहर रात भी हो गई थी, जिसके बाद अब वो सभी एक दवाओं की दुकान जाते है, पर वो उसे बंद पाते है। इसलिए अब एफ्रेम दरवाजा तोड़ देता है और अब सभी अंदर यूवी लाइट को चुराने चले जाते हैं। वहीं अंदर उन्हें वैसली भी मिलता है, जो खुद भी यूवी लाइट की तलाश में वहां आया था, ताकि वो यूवी लाइट को वैम्पायर्स के खिलाफ इस्तेमाल करके वैम्पायर्स को मार सके। अब जब वैसली को ट्रैकन के मिशन के बारे में पता चलता है तो वो उन सबके साथ भी यूवी लाइट को बांट लेता है और खुद भी उनके मिशन में जुड़ जाता है, जिससे वैम्पायर्स का खात्मा हो सके। अब अगले सीन में हम एफ्रेम, नोरा और जिम को एक कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खाने पीने का सामान लेने जाते देखते हैं, जबकि वैसली और ट्रैकन बाहर ही उनका इंतजार करते हैं। पर तभी स्टोर के बाहर बहुत से वैम्पायर आ जाते हैं, इसलिए अब ट्रैकन और वैसली मिलकर उन्हें समाप्त करने लगते हैं। पर वैम्पायर्स की तादाद बढ़ती रहती है, इसलिए अब जिम यूवी लाइट्स को ऑन करके वैम्पायर्स को मारने लगता है, पर एक वैम्पायर जिम पर हमला करके उसे चोट पहुंचा देता है। इसलिए अब सभी जिम को स्टोर के अंदर ले आते है, पर स्टोर के अंदर पहले से मौजूद लोगों को यकीन नहीं होता कि बाहर सच में वैम्पायर्स है, इसलिए कुछ लोग स्टोर के बाहर चले जाते हैं, जिससे वो वैम्पायर्स का शिकार बन जाते हैं। लेकिन एफ्रेम उनमें से एक लड़की डच को वैम्पायर से बचाकर फिर से स्टोर में ले आता है, जो एक हैकर भी थी। आगे अब ट्रैकन सभी को बताता है कि मास्टर ने उसी को पकड़ने के लिए स्टोर के बाहर और भी वैम्पायर्स को भेजने वाला है,
जिसके पहले ही सभी को स्टोर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वहीं नोरा को जिम का जख्म देखकर कुछ अजीब सा लगता है, जिस पर वो यूवी लाइट से जिम को देखने लगती है। जहां नोरा को जिम के जख्म के अंदर वही वर्म दिखाई देते है, इसलिए वेफ्रम और नोरा बिना किसी देरी किए जिम की जख्म को काट कर उस वर्म को बाहर निकाल लेते है। लेकिन तभी वैम्पायर स्टोर के दरवाजे को तोड़ने लगते है, जिसे देख कर सभी यूवी लाइट्स लेकर स्टोर के बाहर निकल जाते है। पर तभी बाहर भी वैम्पायर्स की तादाद बढ़ने लगती है और साथ ही स्टोर की लाइट भी चली जाती है। इसलिए अब सभी मजबूरन फिर से स्टोर के अंदर आ जाते हैं, जहां वेफ्रम जिम के अंदर एक और वर्म देखता है। और अब जिम को फिर से यूवी लाइट से देखने पर पता चलता है कि उसके पूरे शरीर के अंदर वर्म्स भर चुके हैं। इसलिए अब जिम सभी से उसे मार देने को कहता है, क्योंकि वो एक वैम्पायर में नहीं बदलना चाहता। पर वेफ्रम उन्हें जिम को मारने नहीं देना चाहता था, इसलिए अब वैसली खुद ही जिम को सिल्वर बुलेट से शूट करके मार देता है, जो देख कर वेफ्रम और नोरा बहुत ही उदास होते हैं। पर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तभी स्टोर की छत एकदम से टूट जाती है, जिसमें से वैम्पायर्स आने लगते हैं। इसलिए अब सभी स्टोर से बाहर भागने लगते हैं और यूवी लाइट की मदद से वैम्पायर से बचकर सभी वैम्पायर्स को आग लगा देते हैं और फिर एक ब्रेड के ट्रक में बैठकर वहां से भाग पड़ते हैं, जिसकी साथ ही एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत एफ्रेम की पत्नी कैली की फ्रेंड डियाना से होती है, जो एफ्रेम और कैली के बेटे जैक को घर छोड़ने आई थी। वो जैक को दरवाजे पर ही छोड़कर चली जाती है। पर अब जब जैक अंदर जाता है तो उसे वहाँ मैट मिलता है, जो पहले से ही वैम्पायर बन चुका था और जैक को भी इन्फेक्ट करने वाला था। लेकिन भाग्य से सही समय पर वहाँ एफ्रेम आ जाता है, जो सिल्वर नाइफ से मैट को मार डालता है। जैक अब एफ्रेम को बताता है कि कैली मिसिंग है, जहाँ सट्रैकन बताता है कि अगर कैली वैम्पायर में बदल गई होगी तो वो जैक को वैम्पायर बनाने के लिए आ रही होगी। इसलिए वेफ्रम जैक को सट्रैकन के साथ भेज देता है और खुद नोरा के साथ मैट की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहीं रुक जाता है, जहां वैन में जैक अपनी मां कैली के मिसिंग होने की वजह से और साथ ही मैट की मौत की भी वजह से एकदम दुखी था। जहां फिर सट्रैकन उसे शांत करने के लिए वैम्पायर्स के बारे में बताता है। अब इसके बाद वैसिली और डच भी वैन में आ जाते हैं और सट्रैकन की शॉप में जाते हैं, जहां बेसमेंट में जाकर वैसिली के साथ सट्रैकन मास्टर की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है। उधर एफ्रेम और नोरा मैट की लाश को जला देते हैं, जिसके बाद वो दोनों जिम के मौत का शोक मनाते हैं, जिस दौरान ही नोरा और एफ्रेम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और अंत में इंटीमेट भी होते। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर गस और उसका दोस्त फेलिक्स को पुलिस पकड़कर वैन से जेल ले जा रही थी, पर फेलिक्स तब तक इन्फेक्ट हो चुका था, इसलिए रास्ते में ही वो वैम्पायर में बदल जाता है, जो बाकी कैदियों और ड्राइवर पर हमला करने लगता है, जिससे वैन क्रैश हो जाती है। जहां एक पुलिस ऑफिसर जो क्रैश में बच गया था वो आकर वैन का दरवाजा खोल देता है और फिर अंत में वो भी फेलिक्स का शिकार हो जाता है, जिसे देखकर गस ऑफिसर की गन लेकर फेलिक्स को शूट करके उसे ही मार देता है और फिर ऑफिसर की चाबी से अपनी हथकड़ी खोलकर वहां से भाग निकलता है। इधर एफ्रेम और नोरा भी सट्रैकन के शॉप में आ जाते हैं, जहां बाकी सब भी मौजूद थे। वहीं जैक एफ्रेम से कैली के बारे में पूछता है, पर एफ्रेम उसे कैली को अगले दिन ढूंढने का वादा करता है, जिसके साथ ही एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत जैक से होती है, जो अगली सुबह लैपटॉप लेकर कैली की फोन की लोकेशन ट्रेस करने लगता है, जहां लोकेशन मिलने पर वो एफ्रेम को इस बारे में बताता है। इसलिए अब एफ्रेम कैली की फोन के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे कैली तो नहीं पर एक औरत मिलती है, जो उसे कैली के कार तक ले जाती है। अब सीन चेंज होता है और 32 घंटे पहले हम कैली को घर में देखते हैं, जहां मैट जो पहले ही इन्फेक्ट हो चुका था वो कैली पर अटैक कर रहा होता है। इसी दौरान एक वर्म कैली के हाथ के अंदर चला जाता है, पर वो किसी तरह मैट से बचकर घर के बाहर अपनी कार में चली जाती है। पर कुछ ही घंटों के बाद वो भी एक वैम्पायर में बदल जाती है और जब वो एक वैम्पायर को लोगों का खून पीता देखती तब उसे भी उसका तलब होने लगता है। फिर आगे 17 घंटे बाद कैली अपने दोस्त डायना के घर जैक को ढूंढने जाती है, पर तब तक डायना जैक को कैली के घर छोड़ आई थी, जिस वजह से वो डायना के बेटे पर हमला करके उसे ही मार देती है। और अब जब डायना अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है तब कैली डायना को भी जान से मार डालती है, जिसके बाद वो एक आवाज का पीछा करते हुए एक सबवे टनल के अंदर पहुंच जाती है, जहां वो मास्टर से मिलती है। वहीं डच और वैसली पाल्मर के ऑफिस आइकोस से मिलने जाते हैं, पर पाल्मर उन दोनों को वहां पकड़ लेता है और अपने आदमियों से उन दोनों को मार देने का आदेश देता है। जहां पाल्मर के लोग वैसली और डच को मारने के लिए ले जाते हैं, पर वो उन दोनों को मारने के बजाय छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि पाल्मर कितना गलत काम कर रहा है। इधर एफ्रेम डायना के घर कैली को ढूंढने जाता है, जहां वो पहले से ही डायना उसके बेटे को वैम्पायर में बदला हुआ पाता है, इसलिए अब ना चाहते हुए भी
उसे उन दोनों को शूट करना पड़ता है। अब आगे एफ्रेम फिर से सटकारियन के शॉप में जाता है जहाँ जैक को केली का फोन आता है और अपना भरोसा बनाए रखने के लिए कहता है कि उन्हें केली जल्दी मिल जाएगी। जिसके साथ ही एपिसोड 10 भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।